नमस्कार किसान भाई, राम किला से प्रताप को ब्लॉग में सबका स्वागत है। आज किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं, आप एक गाय देख पा रहे हैं, इस गाय को सीमन कराने के बाद देख पा रहे हैं इस तरह से डिस्चार्ज कर रही है पानी जैसा है, तब ये गर्भवती होगी या नहीं होगी, सब कुछ किसान भाई इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर इस गाय के हम मालिक की बात करते हैं तो उनका नाम है शिवदास शिवाजी सिंधे, ये महाराष्ट्र से हैं। इनका कहना है कि हम अपनी गाय को जो है सीमन कराए और इस तरह से पानी जैसा डिस्चार्ज दे रही है। एक किसान सवाल पार्ट 106 है। आपके भी कोई सवाल है तो आप भी अपने वीडियो भेज सकते हैं और आपके भी वीडियो को दिखाया जाएगा या बताया जाएगा। तो किसान भाई, अगर हम बात करते हैं इस तरह के डिस्चार्ज के बारे में, अगर पशु हमारी इस तरह का डिस्चार्ज कर रही है पानी जैसा, तब ये गर्भवती होगी या नहीं होगी? अगर किसान भाई आपकी पशु सीमन कराने के 10 दिन बाद या सीमन कराने के 20 दिन बाद या सीमन कराने के 2-3 दिन बाद इस तरह पानी जैसा डिस्चार्ज कर रही है, तब किसान भाई आप समझ लीजिए कि जो आपकी गाय है वो गर्भवती नहीं होगी, यानी गर्भवती नहीं है। क्योंकि किसान भाई, ये जो आप देख पा रहे हैं डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज किसान भाई इन्फेक्शन का होता है। इन्फेक्शन पशुओं में कई तरह का देखा गया है। कहीं कहीं पर फटा फटा जैसे निकलेगा डिस्चार्ज, कहीं पर दूध जैसा डिस्चार्ज होता है, कहीं पर पीला पीला डिस्चार्ज होता है, कहीं पर ऐसा दही दही जैसा डिस्चार्ज होगा, ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होगा। तो ऐसे डिस्चार्ज को किसान भाई इन्फेक्शन माना जाता है। अगर आपकी पशुओं में इस तरह का डिस्चार्ज है, बच्चेदानी की इन्फेक्शन है, तो वो गर्भ धारण नहीं करती। आप उसे कितनी भी बार सीमन करा देंगे, वो गर्भ नहीं ठहरेगा, गर्भ नहीं रुकेगा। तो इसके लिए किसान भाई क्या है, आपको इस इन्फेक्शन के लिए दवा करना पड़ता है। तो इसके लिए आप देसी दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम देसी दवा की बात करते हैं किसान भाई, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर कीड़ी की दवा नहीं दी हो, पेट साफ करने की दवा, तो उसको दे दीजिए। उसके बाद आपको करना है 250 ग्राम हल्दी लेना है, उसको बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को देना है। और आपके आसपास अगर बड़गद का वृक्ष है तो 250 ग्राम ही बड़गद की पत्ती देना है दिन में एक बार। उससे क्या है, आपके पशुओं में जो भी इन्फेक्शन होगा या गर्भ रुकने की क्षमता कमजोर है, बच्चेदानी कमजोर है, तो उसमें काफी सहयोग करेगा। और जो आपकी गाय है या बछड़ी है या भैंस है, उसका जो है बच्चेदानी की सभी बीमारी दूर हो जाती है, फिर वो हिट में आएगी। उसे आप सीमन करा दीजिएगा, वो गर्भ धारण कर लेगी। तो किसान भाई, मैं उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाइयों वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें।